हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो वाइंडिंग मोड है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक ये रेड ग्रीन ब्लू ये आ रहा है, वाइट भी आ रहा है साथ में। तो इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये अगर कभी कभार क्या होता है, सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन इस मदरबोर्ड में सबसे पहले हम इसमें आप अगर इसका जो पावर की है उसको स्टैंड बाय की ऑप्शन में पूछ करके पावर ऑन करें, 3-4 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होता है, उसके बाद यह प्रॉब्लम चला जाता है। अगर आपका कोई प्रकार की LBDS केबल की प्रॉब्लम ना हो तो ही जाएगा। अगर आपका LBDS की प्रॉब्लम है, सही नहीं है LBDS केबल, तब आपका यह प्रॉब्लम जो है नहीं जाएगा, जितने टाइप आप LBDS को चेंज नहीं करेंगे। आपके पास अगर ये सेट आ जाता है तो सबसे पहले आप LBDS केबल को जरूर से एक बार चेक करें। आप टीवी को खोलने से पहले पावर की जो है उसका चेक कर ले सबसे पहले, उसके बाद ही आप ये प्रोसेस को आजमाएं। तो मैंने वो प्रोसेस कर लिया हूँ, तो अभी हम इसमें दूसरा LBDS केबल इनपुट कर रहा हूँ। जो कि इसका जो मदरबोर्ड के जो सिग्नल है वो अगर डिस्प्ले में परफेक्ट तरीके से नहीं पहुंचेगा तब भी आपका इस तरह का बाइंडिंग मोड जो है वो अवेलेबल हो जाता है। जो अभी इसका केबल मैंने लगा दिया हूँ, लगाने के बाद हम इसको की पुश कर देता हूँ। ये स्टैंड बाय लाइट जला हुआ है, स्टैंड बाय रिलीज कर दिया हूँ हमने। तो अब देखते हैं हम इसमें वाइंडिंग मोड है या नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो वाइंडिंग मोड है वो चला गया है, क्योंकि दोस्तों इसमें वाइंडिंग मोड की जो प्रॉब्लम है वो सॉफ्टवेयर में या कोई गड़बड़ी नहीं था, तो इसमें सिर्फ आपके LBDS केबल के लिए वो सिग्नल अच्छे से नहीं पहुँच पाने के बाद इस तरह का फॉल्ट आ चुका था। जो इसमें से कोई एक जो केबल है वो ख़राब होगा, तो हमने इसका चेंज कर दिया हूँ, तो इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है दोस्तों। तो ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं था, ये सिर्फ आपका ना सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी था वो भी नहीं था, सिर्फ ये LBDS केबल का जो कनेक्ट है वो अच्छे से सिग्नल नहीं आ रहा था मदरबोर्ड से डिस्प्ले पे, तो इसीलिए मतलब टीकॉन पे इस तरह का फॉल्ट आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में।